नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब मां आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुका है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं, हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं, नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं। क्योंकि सबके मन में ये सवाल आते हैं, सब चाहते हैं कि उनके घर माँ आए। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। ये जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि दोस्तों माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है और ये साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में ये जानेंगे चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, जान लेते हैं नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 18 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:03 से 10:14 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसे भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों,
माता रानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो ये 10 संकेत मिलते हैं। उन 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। ये प्रथम संकेत है दोस्तों। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना, दोस्तों अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है, जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं। यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो ये आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। दोस्तों तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ है तो ये संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं? तो दोस्तों इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। दोस्तों इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती और दंडित भी करती है। दोस्तों नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है।
वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, यह अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करते हैं, विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं, इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की भ्रामरी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति लौ बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काले चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं माता रानी। दोस्तों, छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, मां दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि पर इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों, अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है, मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूले। धन्यवाद।